टाटा का 16 चक्का टैंकर है, देखिए टाटा सिग्ना फंस गई गाड़ी है, गाड़ी बहुत हो गई, क्या करें अभी। और एक केरला पासिंग ड्राइवर है, चढ़ती नहीं ना तो उन्होंने सीधे तुरंत फैसला लिया है पीछे लेंगे, शायद ये रॉन्ग गियर में आए थे इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गए, ले लिया अच्छे तरीके से पीछे। सुपर की गाड़ी स्पेशल गियर में, शायद आरपीएम भी सही पकड़ा है, देखेंगे अभी क्या होता है। टाटा सिग्ना कमी से जिनकी पावर है उनके पास निकल पाएंगे घाट से, केरला पासिंग गाड़ी। देखो आरपीएम बिल्कुल कम नहीं हुआ, 16 चक्का गाड़ी है, लिफ्ट ऊपर उठा ली है गाड़ी ने, खूबसूरत तरीके से गाड़ी निकलती हुई। और ये अगली 37-18 देखेंगे टाटा की, ये गुजरात पासिंग गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया गाड़ी को, सुंदर तरीके से निकलती हुई गाड़ी। टाटा के 12 चक्का है देखिए, पंजाब पासिंग गाड़ी है, सॉरी राजस्थान पासिंग गाड़ी है, खूबसूरती के साथ निकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी को। देखो गाड़ी पीछे हटती हुई, टाटा की 10 चक्का गाड़ी है, पहले चढ़ान भी फंस गई थी, पहली बार से गाड़ी उन्होंने शायद स्पेशल में आ रही है, देखेंगे सेकंड चढ़ान में गाड़ी निकल पाती है नहीं। रुक गई देखिए, हरियाणा पासिंग गाड़ी है, हरियाणा के बहुत थक भी किए मजबूत, गाड़ी निकल जाए बाप रे पीछे हटती हुई गाड़ी, बाप रे गाड़ी का थोड़ा हाल होता हुआ। हेल्पर उनके साथ है, गाड़ी ने ठीक से आपको बताओ आरपीएम भी नहीं पकड़ा था, फिर से जगह से उठाने की कोशिश, आएंगे क्या टाटा यहाँ से, मुझे लगता है मुश्किल है। देखो बाप रे इनकी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी, ये गाड़ी उठाने का सही तरीका है पीछे लेके दूर से लेना, गाड़ी डेंजर जोन पे खड़ी है, यहाँ इंजीनियरिंग बिल्कुल रोड की खराब है, वहाँ गाड़ी खड़ी है। इनको बताने की कोशिश करते हैं क्या होता है। भैया थोड़ा दूर से लेना, निकल जाए इधर, एक्सल टूटते बहुत, जगह पे मत उठाओ, थोड़ा पीछे लेके दूर से ले लो। उनको तो बता दिया है मैंने, वो वही वोट लगाएंगे शायद। पत्थर भी बिल्कुल छोटा लगा है, ये गाड़ी है देखो पत्थर कैसे धस चुका है, टायर का क्या हाल होता है। हेल्पर भाई साहब बोल रहे जाने दे, उठा ले जगह से, उठ पाएंगे क्या टाटा। देखो गाड़ी उठाने की कोशिश कर रहे है जगह से, रुकेगी गाड़ी, इससे पत्थर लगा है। और मुझे अभी पता चल गया है, आपको भी पता चल गया होगा, ये ड्राइवर उनमें से है जो किसी की सुननी नहीं है। क्या होता है कभी कभी ड्राइवर 10-15-20 साल तक ड्राइविंग कर लेता है, तो कुछ ड्राइवर होते हैं, सब नहीं, कुछ होते हैं कि जो अपने को 30 मार खान समझते हैं, मतलब इंडिया का सबसे बेस्ट ड्राइवर मैं हूँ, कुछ कॉन्फिडेंस अंदर आ जाता है, लेकिन
ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है, आपघात बहुत होते हैं, दुर्घटनाएं होती है, जगह से उठना मत। आगे अभी जैन इन्होंने तोड़ दिया ना, आपको बताऊँ तो ये दो दिन तक खड़े रहेंगे यहाँ। तकलीफ किसको है, उनको ही है ना। थोड़ा समझ बूझ भी जरूरी है ड्राइवर के पास, और परफेक्ट ड्राइवर पायलट ड्राइवर वही है जो वक्त आने पर दो कदम पीछे हट जाए और फिर से गाड़ी उठा ले, ऐसा मेरा मानना है। अपने आप को तकलीफ़ में डालते हुए क्या करें अभी। देखो टायर, देखो छोटा पत्थर लगाने का नतीजा देख सकते हैं आप, ऐसे टायर पड़ता है, पत्थर उड़ भी सकता है, क्या करें अभी। अभी ये अभी जगह से उठाएंगे क्या, वो क्या करें। देखो पत्थर ही और उठा रहे हैं, ऐसी ड्राइविंग मैंने तो पहली बार देखी है भैया। वो पत्थर हटाना पड़ेगा, देखेंगे अभी कह रहे हैं दूर से ले लो। पहले दो बार जिस आदमी ने गाड़ी चलाई है वो पीछे खड़ा उतर दिया है उनको, शायद वो हेल्पर है, और जिन्होंने पहले पत्थर लगाया था छोटा वाला वो ड्राइवर है। इसमें ड्राइवर कौन सा हेल्पर कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, दोनों चला रहे हैं और दोनों गलत तरीके से चल रहे हैं। अभी इन्होंने फैसला किया है पीछे लेंगे, अभी पीछे लेंगे तो इतना पीछे नहीं लेना चाहिए कि पहली चढ़ान, पहली चढ़ान से नीचे उतार देंगे तो ठीक है। ये भी गलत, शायद थोड़ा पीछे जाएंगे वो, पहले चढ़ान पे खड़े हैं। पहले चढ़ान पे भी गाड़ी उठाना थोड़ा तकलीफदायक है, बंद हो गई गाड़ी। और एक साल या शूटिंग करते करते मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, मैं आदमी को पहले एक लफ्ज़ बोलता हूँ तो नज़रों से पहचान लेता हूँ ड्राइवर को, ये ड्राइवर कोऑपरेट करेगा या नहीं, और जो नहीं करता उसको कुछ नहीं कर सकते, मालिक का मालिक कोई नहीं होता, ऐसी बात है। लेकिन दुआ करेंगे सिर्फ कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए उनके इस स्वभाव की वजह से, और पीछे दूसरे गाड़ियों की जान भी जोखिम में रहती है, इनके अपने खुद की जान भी जोखिम में रहती है। और यहाँ सब ड्राइवर नहीं होते, कोई कोई लोग जो ड्राइविंग करते हैं वो खुद गाड़ी के मालिक भी होते हैं, तो मालिक अगर चला रहा है तो मालिक के पास तो बहुत ही ऊपर वाला कॉन्फिडेंस रहता है, ऐसा बोलते कि मैं वो अपने आप को, कोई कोई ड्राइवर ऐसा मोदी के बराबर समझ लेता है, तो उससे भी कुछ नहीं कर सकते, पैसों का घमंड रहता है, कुछ अपने स्वभाव का रहता है, क्या करें। लेकिन समझ बूझ के साथ इस घाट को चढ़ जाना ये अच्छे ड्राइवर की निशानी है, और वही तरीका हर एक ड्राइवर को अपना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। ड्राइवर में अभी डिस्कस होती हुई, गाड़ी अभी भी रॉन्ग पोजीशन पे खड़ी है, चढ़ान पर गाड़ी एक तो 20 फीट पीछे जानी चाहिए, 20 फीट 25 फीट आगे जानी चाहिए, वो कभी चढ़ाने क्या फैसला लेते हैं, क्या फैसला करते हैं क्या मालूम। उठाने की कोशिश, गाड़ी उठने लगी जगह से, अभी मेरा दिल यहाँ से बताओ चल जाएगी, चढ़ान किस स्टाइल की है, गाड़ी कहाँ खड़ी है, ये तो एक ड्राइवर को समझ में आना चाहिए ना, ऐसी बात है। पायलट ड्राइवर बहुत होशियार रहते हैं, मैंने बहुत सारे ड्राइवर देखे, बहुत ही सुंदर ड्राइविंग करते हैं बहुत सारे राज्य के। और पंजाबी भाई साहब है वो तो पंजाब के ड्राइवर बिल्कुल रुकते ही नहीं, बहुत इंटेलिजेंट ड्राइवर होते हैं पंजाब के, राजस्थान के भी अच्छे, MP के भी अच्छे, UP के भी ड्राइवर बहुत अच्छे। ये जो ड्राइवर हरियाणा के तो बहुत सारे अच्छे ड्राइवर होते हैं, ये कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है मेरे को। अभी वोट लगा दिए उन्होंने, पत्थर लगा दिया पीछे,
इस समय डिसीजन पावर, क्या डिसीजन लेते, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हॉर्न देखे आहे लेलँड, स्पीड देखे लेलँड काहीच त्यांच्या कारणे। घाट भरने का स्टाईल देखे पास करणे का देखो रुकी ये भी, ये सेकंड चढ़ाम पे गाड़ी हमेशा रुक जाती है, गियर डाल के निकल गई गाड़ी, अभी भी यही खड़ी है, चार गाड़ी ठंडा करके निकलने का उनका फैसला। अगले वीडियो में क्या होता है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद दोस्तों।